हाय एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। अभी शाम का 2 बज चुका है और आप सभी का स्वागत है दोस्तों सुधीर राम ब्लॉग में। और गाइस, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में अगर देखिएगा तो संगीता जी लोग हमको चले गए हैं, सालूम बाबू अपने नानी का घर। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। और मैं अकेला हूँ घर में, और घर में खाना वाना नहीं बना था, इसलिए मेरा दोस्त के पास हम कॉल किए थे। तो दोस्त बोला कि आ जाइए मेरे पास, और इनवाइट किए हैं सभी गाइस। हम अभी दोस्त के पास जाएंगे और आज मौज मस्ती करेंगे वहाँ पे। और दोस्त वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। और गाइस देखिए, मेरे पीछे ये जो हम आइसक्रीम बेचते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा कार्टून पड़ा हुआ है, ये सब आइसक्रीम का है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऊपर, ये देखिए मेरा, समझ गए ना, यहाँ पे मेरा सीजन का भी काम होता है। सब बाल्टी सब भी रखा हुआ है, धान बोरा सब है उधर। उसके बाद आपको हम इधर आपको दिखा दे रहे हैं मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा चटाई उटाई सब रखल है। उसके बाद आपको हम छाता दिखा देंगे, छाता यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पे छाता सब भी है। ये रहा, ये छाता सब भी है, मतलब मेरा सीजन का काम है गाइस। और अभी तो मेरा अभी गर्मी है, तो अभी हम मेरा ये आइसक्रीम चल रहा है। उसके बाद ये आइसक्रीम ख़त्म होगा, फिर बरसात पहुंचेगा, फिर बरसात में मेरा छाता और तिरपाल का शुरू होगा, जो कि मेरा जो भी माल बचता है उसको हम रख देते हैं एक साइड में। और इसी प्रकार मेरा सीजन सीजन का काम ही गाइस। हम आपको बताएंगे वीडियो में जब मेरा सीजन का काम पहुंचेगा तो कैसे कैसे क्या करना है, कितना पूंजी लगाना है, कितना काम करना है, जिससे कि आप अपना परिवार को, अपने आप को अच्छा से आप पाल सकते हैं, रख सकते हैं। ज़्यादा पूंजी नहीं, मात्र 10,000, उसके बाद आराम से आप कमा जाइएगा। तो गाइस अभी हम निकलते हैं दोस्त के पास, वीडियो में बने रहिए, ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। अभी देखिए यहाँ पे चिकन देखिए इतना चला है दोस्तों, ये तेल है, हम कढ़ाई में डालने जा रहे हैं, दोनों बनाते हैं, देखते हैं हाथ को खाते हैं कि चिकन को खाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं, तबे ना जनी लोगों को बना के खिलाएंगे, सीखेंगे तब ना। जब सिंपल पकाएंगे दोस्तों, कुछ मसाला भी कोई वेरायटी लगेगी, बस यही लगेगा, लेकिन भी टेस्ट लगेगा। इधर टमाटर भी काट लिए दोस्तों, देख सकते हैं, देख लीजिए, और इधर भूंज रहे हैं अभी थोड़ा देर लाल होने देते हैं, देहाती स्टाइल पक रहा है दोस्तों, देहात की है इसीलिए देहाती स्टाइल में बन रहा है। लेकिन एक चीज है कि ज्यादा मसाला खाने से ना, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे दोस्तों, बस यही मसाला, बस सादा ही बनाइए तो अच्छा लगता बस है। कोई हल्दी और ये मिक्स मसाला बस यही डालना है, कुछ नहीं डालना। यहाँ पे हम लोग का प्याज लाल हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे रहा, हम लोग का प्याज भुजा चुका है, लाल हो चुका है। उसके बाद हम लोग चिकन को डालेंगे, ये रहा चिकन, हम लोग चिकन को डालेंगे। मेरा दोस्त दूसरा स्टाइल पका रहा है दोस्तों, हम पहले इसको डालते हैं और लेकिन आज मेरा दोस्त आज पहले दूसरा टाइप से बना रहे हैं, इसको भून रहे हैं। ये चिकन डाल दिए, इसके बाद इसको हम सलाद देंगे, ताकि अच्छा से देखिए तेल इसमें अच्छा से मिक्स हो जाए। इतना अच्छी तरह से चला रहे हैं सुधीर भाई, अब
देख सकते हैं इसको, इसके बाद इसको हम दोस्तों इसको आप चला दें, इसके बाद इसको आप ढकना है, ढक देंगे ताकि थोड़ा सा ये सीझे, इसको थोड़ा ढक देंगे हम लोग। अब ये देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा हम लोग इसको फिर चला देते हैं ताकि ये जो है ना, ये हम लोग का डुबनी गिर गया। मरद जात अगर किचन में रहे ना तो ढंग ढोंगाना जरूरी है। देखिए इसको फिर से चला दे रहे हैं, तो पानी को सुखा देंगे, उसके बाद इसको पानी को सूखने देते हैं क्योंकि अभी पानी है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है। चला दें इसको, अब इसको फिर से ढक दे रहे हैं, इसको फिर से ढक देंगे। तो शुरू कर देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पे सामने दिखा दीजिएगा, पानी जो है ना पूरा सूख चुका है, ये चर्बी है इसीलिए वैसे दिख रहा, तेल है ये। और हम लोग का ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना चिकन भुजा चुका है, और हम लोग जो है ना पिसा हुआ मसाला नहीं डाल रहे हैं, हम लोग ये रेडीमेड मसाला डाल रहे हैं, तब भी टेस्टी लगेगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मसाला नहीं डालेंगे, पहले हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर को डाल रहे हैं यहाँ पे, ये डाल दिए, टमाटर डाल दिए, इसके बाद इसको हम भूजेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा सुधीर भाई नए स्टाइल से हम लोग को पकाने सिखा रहे हैं। टमाटर डाल दिए, इसके बाद हम यहाँ पे मिक्स मसाला है जो कि मिक्स मसाला को डालेंगे, और मिक्स मसाला को हम ऐसे सादा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये सूखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे, और पानी में ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मसाला सबको मिला देंगे, समझे ना, यहाँ पे ताकि वहाँ पे अच्छा से घोलन घोलन हो, अच्छा से वहाँ पे मेल्ट हो सके। ये रहा मिक्स मसाला, उसके बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर है, पटन है, पका हुआ नहीं है, इसको हम लोग फाड़ेंगे, उसके बाद हल्दी को भी यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ नहीं है और बस यही दो, बस यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मसाला को फिर से थोड़ा सा यहाँ डालेंगे ताकि अच्छे से टेस्ट लगे। इसके बाद हल्दी को थोड़ा सा फिर से डाल देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको चला देंगे। देखिए गाइस, देखो धीर भाई कैसे पका रहे हैं, इसको मिला देंगे, हम लोग ऐसा कभी नहीं पकाए, थोड़ा सा पानी फिर डाल देते हैं। अंशु भाई बोल रहा है कि हम लोग ऐसे कभी नहीं पकाए हैं, ये रहा, इसको चला देंगे, देखिए दोस्तों सुधीर भाई, और इधर मेरी पत्नी बांट रही है दोस्तों खाना और चिकन, और इधर मेरा बेटा लोग इधर खा रहा है दोनों। कैसे लग रहा है रे चिकन, यामा लग रहा है कि यम्मी लग रहा है, हाँ मेरी लोग खा रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। अरे इधर मेरी पत्नी बांट रही हम लोग के लिए, ये देखिए दोस्तों चिकन और बांटेगी, हम भी गए थे ना दादा, और देखिए दोस्तों मेरी पत्नी बांट ली है दोनों जन के लिए।
और अपने लिए तो ये कढ़ाई है। और उधर सुधीर भाई गए हैं बाहर, उसके बाद अभी दोनों खाएंगे। इधर तिलक चपाटे कर। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और देखिए दोस्तों सुधीर भाई आ गए हैं, बाहर गए थे, और अभी मेरी पत्नी दे रही है खाना, देख सकते हैं पापा इसको ढक भी नहीं किया। और हमको भी मिल गया दोस्तों, ये है मेरा, सुधीर भाई उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं जगह कम होने के कारण। चलिए भाई खाइए, स्टार्ट हो जाइए। अरे धो दिएगा तब ना जी खाएंगे। हम कहाँ धोए, धो दीजिए और एक बार। ये तो ये गोटे धो धो कहाँ धो पा धो धोआ। सुधीर भाई के लिए ला दीजिए मिर्चा। देखिए गाइस अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, और अभी आप देख सकते हैं खाना मिल गया है। यहाँ पे देखिए, और उधर अंशु भाई उधर बैठे हैं, और बाबू सब भी उधर बैठे हैं। अभी आपको हम टेस्ट करके बताते हैं कैसे लगता है। टंगरी देखिए, टंगरी मिला अंशु जी को, टंगरी मिला है दोस्तों। सो गाइस हम लोग गए थे वहाँ पे दोस्त के साथ, काफ़ी इंजॉय किए। दोस्त को बोले कि मत लाइए, लेकिन वो चिकन ले आए, और आज हम लोग बहुत ही सादा तरीका से बनाए, केवल सादा मसाला और सादा हल्दी, केवल हल्दी और केवल सुधा मसाला जो मिक्स वेज होता है बस उसी से, लेकिन इतना अच्छा इतना टेस्टी बना ना सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ही अच्छा लगा, खाए पिए हम। उसके बाद वहाँ से हम आए, और इस वक्त आप देख सकते हैं हम यहाँ पे रूम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम रूम पहुँच गए, और थोड़ा रात हो चुका था, और यही आपका हम अभी पहुँचे, सो 10-15 मिनट हो रहा है, और अभी टाइम आपका 7:30 बज रहा है। सो अच्छा से काफ़ी इन्जॉय किए, और भाई का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इनवाइट किया और अच्छा से खातिरदारी किया। सो गाइस अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों फिर से ऐसे नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।